Okay, let's resume. Exemptions on services. The chapter जिसमें सबसे ज्यादा amendment आया है, exemptions on services, और ये आपका last chapter है on your GST. Guys, देखिए ये chapter जो exemptions है, you should be knowing that इसमें बहुत सारा services का list है कि कौन कौन सा सर्विस में गवर्नमेंट ने जीएसटी में एग्जेम्प्ट किया है. अब सर किस तरीके का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है, आपको चार पांच छह ट्रांजैक्शंस दे देगा एंड देन यू विल बी आस्क्ड स्टेट द टैक्सेबिलिटी ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस, वेदर जीएसटी विल बी चार्जेबल और नॉट. तो आपको खाली याद रखना है कि यस, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में जीएसटी लगता है, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में जीएसटी नहीं लगता है. तो उसी में अमेंडमेंट आया है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को ऐड कर दिया है, बहुत सारे करंट एग्जेम्प्शंस में से चेंजेस आ गया है. स्टूडेंट्स को डेफिनेटली इस चैप्टर में प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट्स को डेफिनेटली इस चैप्टर में प्रॉब्लम होता है कि वो लोग ध्यान नहीं रख पाते कि कितना एग्जेम्प्शंस है. सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग विच विल एडवाइज यू टू स्टडी इन दिस, खाली जान लो कि एग्जेम्प्शन होता है बस, एंड रीड इट एज मच एज पॉसिबल. Because learn करना it is not definitely difficult. It's not easy. It is difficult. Learn नहीं कर सकते आप. लेकिन अगर exam hall में दिख गया कि हाँ ऐसा transaction कभी पढ़े थे, ये exempt होता है, तो आप लिख पाओगे कि it is exempted. It is exempted. तो खाली आपको read करना है, लेकिन it is very important from this term, considering the fact the amount of amendments, the number of amendments which has come in this particular chapter. तो मैंने उसको तीन category में बांटे. If you see part 1, part 2, part 3. ये तीन कैटेगरी में पार्ट है. पार्ट वन में मैंने वो एग्जेम्प्शंस लिखा है जो हम लोग ऑलरेडी मई 18 का अमेंडमेंट्स में पढ़े थे, जो हम लोग मई 18 जस्ट इसके पहले टर्म का अमेंडमेंट्स में पढ़े थे, ठीक है. सेकेंड पार्ट में मैंने वो डिस्ट्रीब्यूट किया है कि जहां पे आप लोग करंट जो अमेंडमेंट है, करंट अमेंडमेंट मतलब जो नवंबर 18 में एप्लीकेबल है एंड ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड सर्विस में से कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट है, मतलब एक सर्विस है उस सर्विस के अंदर कुछ अमेंडमेंट है. जैसे अगर आपको याद होगा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, कौन सा स्कीम, रीजनल, जो मई 18 टर्म में दिए, जो मई 18 टर्म में दिए और जो ऑलरेडी नवंबर 18 के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम वाली जो सर्विस थी उसमें वन ईयर तक वो एप्लीकेबल था कि जब से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट नोटिफाई हो गया वन ईयर तक वो जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा, उसको लिमिट बढ़ा के कर दिया गया 3 साल. कितना साल, ये अमेंडमेंट है. तो सेकेंड तरह का जो लिस्ट है गाइस, दैट इज अमेंडमेंट इन एग्जिस्टिंग एग्जेम्प्शंस, मतलब जो ऑलरेडी मई 18 टर्म में आप पढ़े थे उसमें अमेंडमेंट आया, ये न्यू है आपके लिए. और थर्ड जो लिस्ट है ये बिल्कुल नया अमेंडमेंट है जो इंट्रोड्यूस हुआ है इन जीएसटी, ठीक है, एकदम नया अमेंडमेंट है, कभी था ही नहीं या फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, ठीक है. तो सबसे पहले अपने पार्ट टू को कवर करेंगे, पार्ट टू को कवर करेंगे अमेंडमेंट्स इन एग्जिस्टिंग एग्जेम्प्शंस, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को, सिंपल है, अमेंडमेंट्स इन एग्जिस्टिंग एग्जेम्प्शंस. पहला सर्विस, प्योर सर्विसेज, कौन से सर्विसेज, प्योर सर्विस. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट जनरली स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होता है इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, अलग अलग है. क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, सब अलग अलग है. जब भी हम नाम लेंगे सीजी, एसजी, यूटी, एलए, जीए, जी, मैंने एब्रीविएशन यूज किया है, आपको इजी होगा, मैंने एब्रीविएशन यूज किया सीजी, एसजी, यूटी, एलए, जीए और जी. तो कितने टर्म्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों के बारे में अपने बात करेंगे. सर सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी आपको पता है, करेक्ट, बट व्हाट इज अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी कौन होता है, बेसिकली कोई ऐसा बॉडी, देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है, प्लीज सी डेफिनेशन, बेसिकली कोई ऐसा बॉडी, एनी अथॉरिटी या बोर्ड सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में वो किसी एक्ट के अंदर सेटअप हुआ है, उसका जन्म किसके थ्रू हुआ है, किसी एक्ट के थ्रू हुआ है, या कोई स्टेट लेजिस्लेचर, पता है, तो
दो हाउस होता है, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से और एक पार्लियामेंट सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर वो किसी गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है जहां पे गवर्नमेंट का कितना परसेंट स्टेक है, कम से कम 90%, यानी वो बेसिकली सर क्या है, एक तरह का गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है। क्या है? गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी, जहां पे गवर्नमेंट का कम से कम उसका 90% से ज्यादा स्टेक है। लेकिन सर वो क्या कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो गवर्नमेंटल अथॉरिटी क्या है, वो अथॉरिटी के ऊपर गवर्नमेंट का क्या है 90% स्टेक है, या फिर वो कम से कम एक पार्लियामेंट द्वारा पास किया हुआ एक्ट के अंदर क्या हुआ है, सेटअप हुआ है। और वो गवर्नमेंट अथॉरिटी करता क्या है, दे बेसिकली कैरी आउट एनी फंक्शन जो कि म्युनिसिपैलिटी को दिया गया है या किसी पंचायत को दिया गया है। म्युनिसिपैलिटी को दिया गया है, किसी पंचायत को दिया गया है। म्युनिसिपैलिटी को अंडर आर्टिकल 243W एंड पंचायत को अंडर 243G। सुनिए मेरा बात, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है आपको पता है आर्टिकल वाइज बटा हुआ है, तो उसमें आर्टिकल 243W में, आर्टिकल 243W में एक लिस्ट है, एक लिस्ट है जिसमें म्युनिसिपैलिटी लॉ बनाएगा या म्युनिसिपैलिटी काम करेगा, जैसे रोड्स, ब्रिजेस, ये सब में कौन काम करेगा, म्युनिसिपैलिटी। उसी तरीके से 243G में पंचायत का लिस्ट बनाया हुआ है, किसका, पंचायत का, मेडिसिन, फॉरेस्ट वगैरह वगैरह। देर आर मेनी एरियाज जहां पे पंचायत काम करेंगे, देर आर मेनी एरियाज जहां पे म्युनिसिपैलिटी काम करेगा। तो गवर्नमेंट ने सिंपल सा बात बताया कि अगर मैंने किसी भी जन को जिसमें मैं 90% से ज्यादा स्टेक होल्ड करता हूं, मैंने उसको काम करने के लिए इंटरेस्ट किया है, क्या करने के लिए, काम करने के लिए इंटरेस्ट किया है, जो कि एक म्युनिसिपैलिटी कर सकता है या फिर कोई पंचायत कर सकता है, तो वो क्या है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी। वो क्या है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी। देखिए इट इज वेरी टेक्निकल बट यू डोंट हैव टू बी सो मच इन डेप्थ, बस आप ये समझ लेना डेफिनेशन, डेफिनेशन याद रखना, 90% और मोर टू कैरी आउट एनी फंक्शन विच इज इन 243W या 243G। अब सर गवर्नमेंट एंटिटी एक नया टर्म है, गवर्नमेंट एंटिटी एक नया टर्म है। गवर्नमेंट एंटिटी और गवर्नमेंट अथॉरिटी में एक छोटा सा डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि गवर्नमेंटल अथॉरिटी वाले लोग वही कैरी करते एक्टिविटीज जो कि आर्टिकल 243G और आर्टिकल 243W में है, बट गवर्नमेंट एंटिटी इफ यू सी द डेफिनेशन इट इज वेरी, इट इज सेम। देखिए पहला लाइन, अथॉरिटी बोर्ड इंक्लूडिंग अ सोसाइटी ट्रस्ट या कॉरपोरेशन सेट अप इन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ये एस्टैब्लिश बाय एनी गवर्नमेंट विद 90% और मोर पार्टिसिपेशन टू कैरी आउट अ फंक्शन Which is entrusted by the central government, state government, UT or local authority. मतलब ये कोई भी function, to carry out any function entrusted by central, state, UT or local authority, ये लोग कोई भी function करने के लिए, basically ये आपे public sector undertakings आ गया। कौन आ गया? PSUs। कौन आ गए? PSUs। जहाँ पे government का 90% से ज़्यादा stake है और government उन लोग को एक द्वारा कुछ काम करवाता है। उन्हें कोई function दे के रखा है, चाहे वो electricity हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो क्लीनलीनेस हो, कुछ भी सेक्टर हो, गवर्नमेंटल एंटिटी का मतलब ये होता है। तो आपको बहुत क्लैरिटी रखना है जब आप एग्जेम्पशन पढ़े हो, सेंट्रल, स्टेट, यूटी, लोकल, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी, बिकॉज काफी जगह पे यही अमेंडमेंट आया है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी तक था, अब गवर्नमेंट एंटिटी को भी क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है। तो अगर आप ये नहीं समझेंगे कि गवर्नमेंटल अथॉरिटी अलग होता है, गवर्नमेंट एंटिटी अलग होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग पहले ही बोल दिया, सेंट्रल, स्टेट, यूटी, लोकल, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, ये छह अलग अलग होते हैं। क्लियर है? अब अपने स्टार्ट करते हैं गाइस। यस, डिफरेंस को डेफिनेटली रिपीट करेंगे, क्यों नहीं रिपीट करेंगे, दो बार रिपीट करेंगे, 10 बार रिपीट करेंगे। गवर्नमेंटल अथॉरिटी क्या होता है? गवर्नमेंटल अथॉरिटी गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिश किया हुआ एक एंटिटी होता है जहां पे गवर्नमेंट का कम से कम 90% स्टेक होता है, और वो गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर एंटिटी से क्या एक्टिविटी करवाता है, उस एक्टिविटी को क्या वो एक्टिविटी करता है, दैट गवर्नमेंटल अथॉरिटी डज एनी ऑफ द एक्टिविटीज विच इज मेंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन 243W म्युनिसिपैलिटी एंड 243G पंचायत। मतलब जो एक पंचायत कर रहा है वही अगर एक गवर्नमेंटल अथॉरिटी कर रहा है तो वो गवर्नमेंटल अथॉरिटी बन जाएगा। समझ में आ रहा है? बट गवर्नमेंट एंटिटी
इट इज नॉट रिलेटेड टू आर्टिकल 243 डी. देखिए अगर आप लास्ट लाइन देखेंगे, इनका लास्ट लाइन में डिफरेंस है. इट इज टू कैरी आउट अ फंक्शन, इट इज टू कैरी आउट एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू टू. बेसिकली गवर्नमेंटल अथॉरिटी का स्कोप है ना बहुत ज्यादा बड़ा है, बट यहां पे गवर्नमेंटल एंटिटी का स्कोप बहुत ज्यादा लिमिटेड है, बिकॉज 243 GW में बहुत सारे फंक्शन है जो वो कर सकता है. बस आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि गवर्नमेंटल एंटिटी है कि अथॉरिटी एट इंटरमीडिएट लेवल, तो लेट्स नॉट गेंडर इन टू दिस. आपको खाली सर्विस याद रखना कि ये गवर्नमेंट, आपको एग्जाम में ये बोलेगा ये गवर्नमेंटल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट एंटिटी है, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है गाइस, अब एक बार चलिए पॉइंट नंबर टू में देखिए, अमेंडमेंट्स इन एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशंस. ठीक है, मैं आपको खाली अमेंडमेंट पार्ट पढ़ाऊंगा, बिकॉज सर्विस पढ़ाना में इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ये आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो. मैं खाली जो अमेंडमेंट पार्ट है मैं आपको वो रेलिवेंट करवाऊंगा. तो अमेंडमेंट पोर्शन देखिए मैंने क्या लिखा है, इटैलिक्स और बोल्ड में मार्क किया हुआ है. मतलब ये जो भी अमेंडमेंट है, आपको ये जो अमेंडमेंट दिख रहा है पॉइंट वाइज, जो भी हाईलाइटेड है और इटैलिक्स में मार्क किया हुआ है, खाली वही अमेंडमेंट है, बाकी सब कुछ सेम है. तो आप ये मत सोचिएगा कि आप नया चीज पढ़ रहे हो, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. तो देखो, प्योर सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज, प्योर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, प्योर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, एक्सक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और अदर कॉम्पोजिट सप्लाईज इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ एनी गुड्स प्रोवाइडेड टू सेंट्रल स्टेट यूटी लोकल गवर्नमेंटल अथॉरिटी. ये तो अभी भी था. मतलब सर अगर कोई भी जन खाली सर्विस दे रहा है, खाली प्योर सर्विस, मतलब उसमें गुड्स की मिलावट नहीं है, गुड्स की चाहे कॉम्पोजिट वे में हो चाहे नॉर्मल वे में हो, चाहे कॉम्पोजिट वे में हो चाहे किसको दे रहा है, सेंट्रल को, स्टेट को, यूटी को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को, वो तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा. बट अभी इंट्रोडक्शन क्या हो गया है, गवर्नमेंट एंटिटी. अभी इंट्रोडक्शन क्या हो गया है, गवर्नमेंट एंटिटी. मतलब सर इनका लिस्ट क्या कर दिया है, एक्सपैंड कर दिया. लिस्ट क्या कर दिया है, एक्सपैंड कर दिया. अब गवर्नमेंट एंटिटी को भी क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा. मतलब सर इसमें लिस्ट में किसको ऐड कर दिए, गवर्नमेंट एंटिटी को भी ऐड कर दिए. बस ये एग्जेम्पशन, ये अमेंडमेंट आया है. ठीक है, बाकी आप प्लीज खुद से समझ लेंगे, ऑलरेडी कवर हो चुका है. नेक्स्ट देखेंगे आरसीएस वाला, मैंने आपको बताया था रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट. तो जहां पे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी जाती है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम से, तो वहां पे गवर्नमेंट को क्या मिलता है, गवर्नमेंट क्या देता है, वायबिलिटी गैप फंडिंग. एक मिनट, वायबिलिटी गैप फंडिंग. आपको याद है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट में, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट में ये जो एग्जेम्पशन थी खाली एक साल के लिए थी, बट इसको हटा के क्या कर दिया गया है, 3 years कर दिया गया. कितना कर दिया गया है, 3, मतलब 3 years तक ये अमेंडमेंट, मतलब 3 years तक एग्जेम्पशन मिलेगा, उससे कम पीरियड के लिए नहीं मिलेगा. जो एक साल का एग्जेम्पशन है वो अब 3 साल तक मिलेगा. कितना साल तक मिलेगा, 3 साल तक, जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम वाला ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस है. जो एग्जेम्पशन थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं या याद आ रहे हैं उनको ये याद आ रहा होगा, एक साल का एग्जेम्पशन था, उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, 3 साल कर दिया गया. गाइस नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस सर्विस. अगर आपको याद होगा एक पॉलिसी हुआ करता था जिसका नाम था माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, लाइफ, इसको अंडरलाइन करेंगे, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट. सर व्हाट इज लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, बेसिकली स्मॉल पॉलिसी, स्मॉल वैल्यू पॉलिसीज, वहां लिखेंगे स्मॉल वैल्यू पॉलिसीज, जहां पे पॉलिसी की अमाउंट कम होती है, जहां पे पॉलिसी की अमाउंट कम होती है. तो वहां पे क्या होता था, अगर आप स्मॉल पॉलिसी होल्डर हो या आपको स्मॉल पॉलिसीज इश्यू की गई है, कौन सी, लाइफ इंश्योरेंस, कौन सी, लाइफ इंश्योरेंस, तो वो सर्विस पे एग्जेम्पशन तब मिलता था अगर आपका अमाउंट 50,000 से बेसी का नहीं है, अगर आपका अमाउंट 50,000 से बेसी का नहीं है. लेकिन सर ये 50,000 का लिमिट अब क्या कर दिया गया है, 2 lakhs कर दिया गया है. लिमिट ऑफ लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट का जो सर्विस है उसका स्कीम, उसका जो एग्जेम्पशन लिमिट है, दैट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 50,000 टू 2 lakh रुपीस. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट. नेक्स्ट, लीगल सर्विसेस. अगर आपको याद होगा लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज में भी एग्जेम्पशन अपने पड़े थे. सर क्या एग्जेम्पशन पड़े थे, नॉर्मली 2 केस में एग्जेम्पशन मिलता था. अगर कोई एडवोकेट किसी भी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, किसी भी जिसका टर्नओवर 20 lakhs, वेरी गुड, 20 lakh या 10 लाख से कम है, तो उसमें जीएसटी नहीं लगता था, जीएसटी नहीं लगता था. सेकेंड केस अपने पड़े थे, अगर वो किसी भी पर्सन को दे रहा है, किसी भी
पर्सन को दे रहा है अदर देन बिजनेस एंटिटी, अदर देन तो भी जीएसटी नहीं लगता था। मतलब सर बिजनेस एंटिटी को जब देता था तब टर्नओवर चेक करते थे और 20 लाख 10 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी लगता था, और अगर अदर पर्सन को देता था अदर देन बिजनेस एंटिटी अदर देन तो जीएसटी नहीं लगता था। इसमें और एक लोग को ऐड कर दिया, गवर्नमेंट अपने आप को ऐड कर लिया है, गवर्नमेंट अपने आप को ऐड कर लिया कि गवर्नमेंट को अगर आप लीगल सर्विस देंगे तो जीएसटी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो देख लो, लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉलोइंग पर्संस टू सारे सीजी एसजी यूटी एलए जीए जीई, सब लोग आ गए। ये लोग जितने भी लीगल सर्विस लेंगे ये सब के सब क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पिलग्रिमेज पता है, अमरनाथ की यात्रा, पिलग्रिमेज सर्विसेज अपने पढ़े थे, पिलग्रिमेज सर्विसेज में क्या पढ़े थे सर, पिलग्रिमेज सर्विसेज वॉज वेरी सिंपल, यहां पे था कि अगर आप कोई स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन से पिलग्रिमेज सर्विसेज ले रहे हो, कोई स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, कुमाऊं मंडलम विकास निगम लिमिटेड, अगर आपको याद होगा कुमाऊं मंडलम विकास निगम लिमिटेड, और हर स्टेट का अपना अपना हज कमेटी, हज जो मुस्लिम्स लोग जाते हैं हज, करेक्ट, वो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए था एज स्पेसिफाइड बाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आपको पता है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत मिनिस्ट्री है, डिफेंस अलग, एक्सटर्नल अफेयर्स अलग, फॉरेन अलग, होम अलग, फाइनेंस अलग, समझ में आ रहा है। तो क्योंकि ये जो पिलग्रिमेज वाला काम था ये कौन दिखता था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जीएसटी में जीएसटी में अमेंडमेंट क्या है सर, ये वर्ड को काट दिया गया है, किसको काट दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मिनिस्ट्री स्पेसिफाई कर सकती है, कोई भी मिनिस्ट्री स्पेसिफाई कर सकती है। पहले खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो स्पेसिफाई करेगा वही अगर करेगा तो उसी केस में एग्जेम्पशन मिलता था, बट अब कोई भी स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट मिनिस्ट्री, नॉट, तो खाली मिनिस्ट्री तक आपको सहमत न रहना, आपको ओवरऑल देखना, मतलब इसका स्कोप क्या कर दिया गया है, एक्सपैंड कर दिया गया है, मतलब जो स्पेसिफाइड होते थे बाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अब वो नहीं है, इट कैन बी स्पेसिफाइड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब समझ में आ रहा है, इसका स्कोप को बढ़ा दिया गया। तो मैंने क्या किया, मैंने मिनिस्ट्री को क्या कर दिया, काट दिया। आपके मैट में सर्विस लिखा होगा, आपने कहीं से भी पढ़ा हो, आप प्लीज वो सर्विस में जाके इस अमेंडमेंट को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, याद है एनपीओ वाली सर्विस, जहां पे मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया भी था पहले क्लासेस में, एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एनपीओ होता है, नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो वो लोग क्या लेते हैं, अपने सारे फ्लैट मेंबर से मंथली मेंटेनेंस चार्ज लेता है, बिकॉज आप इलेक्ट्रिसिटी, इतना सारा सर्विस, वेटर, वॉचमैन, इतना डेली टू डेली आपका कॉम्प्लेक्स क्लीन रह रहा है, सब कुछ रह रहा है, तो डेली आपको मंथली मेंटेनेंस चार्ज देनी पड़ती है, करेक्ट। उसका लिमिट याद अपने पढ़े थे 5000, क्या पढ़े थे, 5000 पर मंथ, अप टू 5000 पर मंथ अगर कोई भी एनपीओ अपने मेंबर से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो 5000 पर मंथ तक जीएसटी नहीं लगता था। उस 5000 का लिमिट चेंज होके हो गया गाइस 7500, सेम चीज, उस 5000 का लिमिट चेंज होके हो गया 7500, मतलब 7500 पर मंथ तक कोई जीएसटी नहीं लगेगा, बट द मोमेंट द अमाउंट ऑफ दी रीइंबर्समेंट एक्सीड 7500 द जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन दी इंटायर वैल्यू, ठीक है। याद है एंट्रेंस फीस टू आईपीएल मैचेस, सर्कस, ये सारा याद है, जो सर्विस पड़े थे, सर्कस देखने जाओगे, थिएटर परफॉर्मेंस देखने जाओगे, ड्रामा परफॉर्मेंस देखने जाओगे, जहां पे कंसिडरेशन 250 पर पर्सन पर मेंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एग्जेम्प्ट होता था, उसको 250 का लिमिट को बढ़ा के कर दिया गया है 500 पर पर्सन, क्या कर दिया गया है 500, ये देखिए बोल्ड किया हुआ है 500 पर पर्सन, प्लस प्लैनेटेरियम का नाम सुने हो, प्लैनेटेरियम क्या होता है, जहां पे अपने को प्लैनेट्स दिखाए जाते हैं, ये अपने यहां पर है विक्टोरिया के, हाँ बिरला प्लैनेटेरियम है, देखे हो आप अंदर देखो तो आपको दिखाया जाएगा स्पेस अपना कैसा दिखता है, तो वहां पे भी एंट्रेंस फी लगता है, ठीक है। प्लैनेटेरियम अभी तक इसमें इंक्लूडेड नहीं था, मतलब प्लैनेटेरियम में अगर आप जाके कुछ देख रहे हो, स्पेस अपना दुनिया देख रहे हो कि दुनिया कैसी दिखती है, कैसी हमारा इंडिया अर्थ क्या है, वॉट एवर प्लैनेट्स मार्स क्या है, तो प्लैनेटेरियम में अगर आप एंट्रेंस फी दे रहे हो वहां पे भी जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये अमेंडमेंट आया, ये पहले नहीं था गाइस, पहले खाली ये 3 पॉइंट्स था, चौथा पॉइंट भी अमेंडमेंट आ गया है, तो वॉट एवर बोल्ड पॉइंट्स आई हैव डन दोज आर ऑल अमेंडमेंट्स, बाकी सारे ऑलरेडी पुराने सर्विसेज में हम लोग कर चुके हैं। अगर मुझे
अगर आप ये पॉइंट, मेरा सारा पॉइंट मत मानिए, एच तो मान लीजिए, एच आपके एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल सर्विसेज ये आपके एग्जाम पेपर में प्रिंटेड है, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्विसेज अमेंडमेंट्स इसी में आए हैं, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स इसी सर्विस में आए, आपके एग्जाम पेपर में एप्लीकेबल है एजुकेशनल सर्विसेज। सुनेंगे मेरा बात गाइस, नहीं सुनेंगे आप ट्रैक लूज कर जाओगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सुनो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब याद है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब कौन? तीन लोग होते हैं राइट उसमें, एक दो और तीन, एक तो प्री स्कूल प्लस अप टू क्लास ट्वेल्व और एक रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ प्रोवाइडिंग एनी क्वालिफिकेशन, जैसे आईसीआई आईसीएसआई ये सब इसमें गिर जाएंगे, प्रोवाइडिंग एनी क्वालिफिकेशन, ठीक है। और थर्ड आ गया वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। ये तीन लोग होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ध्यान रखेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये तीन वर्ड होते हैं, सुनेंगे मेरा बात ध्यान से। अब एजुकेशनल सर्विसेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आउटवर्ड सप्लाई भी करते हैं और इनवर्ड सप्लाई भी करते हैं ठीक है ध्यान से। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को और स्टाफ को सर्विस देते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लस फैकल्टी प्लस स्टाफ को सर्विस देते हैं, ये तो ऑलरेडी पढ़ के रखे थे, एग्जेम्प्ट होता है। इसमें और एक सर्विस ऐड हो गया, देख लीजिए ऊपर में लिखा है सप्लाइड बाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बाई याद रखेंगे यहां पे क्या लिखा है, बाई इज इंपॉर्टेंट, सर्विसेज बाई वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सर्विसेज बाई वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंट्रेंस पेंडलाइन, बार बार एग्जामिनेशन नहीं, एंट्रेंस, सर्विसेज बाई वे ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी, अगेंस्ट द कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ, मतलब सर ये कैट है, ये जितने भी कोर्सेज होते हैं जहां पे आपको एंट्रेंस फी देनी पड़ती है, क्या देनी पड़ती है, एंट्रेंस फी देनी पड़ती है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। आज जेवियर्स कॉलेज सीयू या कोई भी रिनाउंड कॉलेज जहां पे एंट्रेंस बेस एग्जाम होता है, सिम्बायसिस जितने भी एमबीए कॉलेजेस है आपका एंट्रेंस बेस एग्जाम होता है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है, तो वो आपसे एंट्रेंस फी लेते हैं तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। ये न्यूली इंट्रोड्यूस सर्विस है, ये पहले नहीं था, ठीक है। तो सर अभी तक तो खाली एक ही सर्विस था, अब अमेंडमेंट क्या आ गया है, ये दूसरा भी अमेंडमेंट आ गया है कि अगर आप एंट्रेंस फी चार्ज कर रहे हो, खाली बात कर रहे हो एंट्रेंस फी का, आप कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अपने स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ से, सेम चीज अपने स्टूडेंट्स फैकल्टी ऑब्वियसली स्टूडेंट से, तो वहां पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब बात कर रहे हैं अपने किसके, इनवर्ड सप्लाई के लिए। अब अपने बात कर रहे हैं, मतलब खाली यही दो आउटवर्ड सप्लाई के लिए था, अब अपने बात कर रहे हैं इनवर्ड सप्लाई के लिए। आराम से समझेंगे गाइस, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या क्या कॉमन सर्विसेज बेसिक सर्विसेज दरकार पड़ता था। एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, ताकि उनके स्कूल के बच्चे इजिली अपना घर पहुंच सके। एक होता है अगर सर स्कूल क्लीन नहीं रहेगा तो प्रॉपरली हाइजीनिक नहीं रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा, क्लीनलीनेस होना चाहिए सर। एक अपने पढ़े थे सिक्योरिटी होनी चाहिए सर प्रॉपर, अगर सिक्योरिटी मेंटेनेंस नहीं होगा तो स्कूल कभी भी खतरे में जा सकता है। तो जो भी ये तरह का सर्विसेज ले रहा है, कौन स्कूल ले रहा है कि दे रहा है, दे रहा है कि ले रहा है, ले रहा है, तो इसमें जीएसटी क्या होता था, एग्जेम्प्ट होता था। और चौथा अपने पढ़े थे एडमिशन या कंडक्ट ऑफ एग्जाम रिलेटेड सर्विसेज, लेकिन दिस वॉज अप टू क्लास ट्वेल्व, ये मैंने आपको एग्जिस्टिंग बता दिया। अब मैं आपको अमेंडमेंट्स बताऊंगा सर। ये क्या पढ़े थे अपने, ये चार सर्विसेज किसको मिलता था खाली प्री स्कूल वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मिलता था, करेक्ट, और किसी को नहीं मिलता था। अब सुनो अमेंडमेंट क्या है,
सबसे पहले ये हायर सेकेंडरी हट चुका है, ये सब लिखा हुआ है, डोंट वरी, पहले आप समझिए। हायर सेकेंडरी मतलब अब एडमिशन एग्जामिनेशन कोई भी लेवल पे हो, क्लास 12 लेवल नहीं। अगर मैं आपको एडमिशन करने के लिए हेल्प कर रहा हूं इवन आफ्टर बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर, कैट, जीमैट, सैट, वैट, व्हाटएवर एग्जाम्स, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। पहले क्या था, एडमिशन ओनली अप टू हायर सेकेंडरी वाला सर्विस, अप टू मतलब क्लास 12 के बाद कुछ नहीं, क्लास 12 तक ही जो एडमिशन रिलेटेड प्रोसेस है। हो सकता है ना कि स्कूल ने क्या किया, एक पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस आउटसोर्स कर दिया कि आप मेरा पूरा एडमिशन संभालिए, मार्च टू अप्रैल, मई जून, व्हाटएवर। एक स्कूल ने पूरा एग्जामिनेशन रिलेटेड किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दिया। देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो लोग ये सब काम करते हैं और स्कूल्स को सर्विस देते हैं। तो खाली अप टू हायर सेकेंडरी वाली जो सर्विस है वही क्या होती थी, एग्जेम्प्ट होती थी, लेकिन हम उसको क्या कर दिया, डिल्यूट हो गया। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, जितना भी एग्जेम्प्शंस है ऑल आर इन द फेवर ऑफ टैक्स पेयर्स। सब में क्या कर रहा है, रिलैक्सेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो यहां पे अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल में क्या पढ़ना है अपने को, कि सर हायर सेकेंडरी वाले का डिलीट हो गया मतलब अब कोई भी एडमिशन वाले कवर हो जाएंगे, पहला अमेंडमेंट ये है। दूसरा अमेंडमेंट ये है कि सर अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये चौथा, ये चारों सर्विस, क्या बताया, ये चारों सर्विस खाली किसको मिलेगा, प्री स्कूल। उसमें एक अमेंडमेंट आया है, क्या अमेंडमेंट आया है, ये जो एडमिशन वाला सर्विस है, कौन सा सर्विस, दिस विल बी गिवन टू ऑल थ्री, मतलब ये वाला जो एग्जेम्पशन है, एडमिशन वाला सर्विस जो है ये सबको मिलेगा। दिस एग्जेम्पशन विल बी गिवन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दिस एग्जेम्पशन विल बी गिवन टू एनी। देखिए इसलिए मैं बोल रहा हूं इतना छोटे छोटा अलग अलग अमेंडमेंट है ना, कंफ्यूजिंग वाला, तो पक्का एग्जाम में आएगा ये। एडमिशन रिलेटेड जो है वो भी, एनी एडमिशन रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आप दीजिए, 1, 2, 3 सर इसमें कोई बदलाव है, नहीं, ये खाली प्री स्कूल को मिलेगा, किसको, प्री स्कूल। अगर आप किसी प्री स्कूल को, ये प्री स्कूल या हायर सेकेंडरी, अप टू हायर सेकेंडरी वाले इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहे हो, खाली उसी केस में इसका एग्जेम्पशन होगा, बाकी कोई केस में इसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। बट एडमिशन रिलेटेड में किसी भी एजुकेशनल सर्विस इंस्टीट्यूशन को यह सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी गाइस, अभी तक कोई डाउट है, पक्का सर आप, थम्स अप। लास्ट अमेंडमेंट इसमें सर, इसमें एक पॉइंट और जुड़ गया, ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स, ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स मतलब ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल, जर्नल समझते हो, न्यूज़लेटर, करेक्ट, इंस्टीट्यूट देता है, वेरी गुड, हार्ड कॉपी में भी देता है, सॉफ्ट कॉपी में भी देता है, अपने स्टूडेंट्स को भी भेजता है, ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल, ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल, सुनिए बात ध्यान से, ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स जनरली कौन यूज करेगा बताओ तो, कौन लेगा इसका सर्विसेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का तीन कैटेगरी आप पढ़े थे, 1, 2, 3, क्या स्कूल लोग जनरली करते हैं, वोकेशनल होगा, बीच वाला जो क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करता है, जो क्वालिफिकेशन, बिकॉज उस पर्टिकुलर सेक्टर में यू हैव टू कीप योर मेंबर्स अपडेटेड, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, एजुकेशनल जर्नल्स का सर्विस ले सकते हो, एजुकेशनल जर्नल्स का सर्विस। तो गाइस आपने ही आंसर दिया, सर ये वाला एग्जेम्पशन किस कैटेगरी वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को देंगे, अपने खाली इनको देंगे, खाली सेकेंड वाले के देंगे, यानी फर्स्ट को नहीं मिलेगा और थर्ड को नहीं मिलेगा। बहुत इजी है,
एजुकेशनल सर्विसेज रिसीव हुआ, एजुकेशनल सर्विसेज रिसीव हुआ, पहला पहला ट्रांसपोर्टेशन, क्लेनलीनेस, सिक्योरिटी, ये तीनों किसको एग्जेम्पशन मिल रहा है? प्री स्कूल, बस प्री स्कूल एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी, दैट्स इट। फोर्थ एडमिशन और एग्जाम रिलेटेड एनी एनी सर्विसेज किसको मिल रहा है? एनी एनी सबको मिल रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स पांचवा, ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स पांचवा खाली किसको मिल रहा है? एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड प्रोवाइडिंग क्वालिफिकेशन, दैट्स इट, कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए, ये जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है मैंने ऑलरेडी लिख दिया यहां पे। टू वाला पार्ट देखिए, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स और पीरियोडिकल इज एग्जेम्प्ट, बट दिस एग्जेम्पशन इज ओनली एप्लीकेबल टू इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, दैट इज क्लॉज टू, दैट इज क्लॉज टू पार्ट टू। अब लिख देंगे पार्ट टू, पार्ट टू, ये खाली इन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब सिमिलर बात समझिए गाइस, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी नॉन रेसिडेंट से ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स रिसीव कर रहा है, सर्विसेज रिसीव कर रहा है, वो इंडिया में नहीं रिसीव कर रहा है, किसी बाहर वाला आदमी से रिसीव कर रहा है, किसी बाहर वाला आदमी से रिसीव कर रहा है, तो भी ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो भी क्या हो जाएगा? तो देखिए, सिमिलर एग्जेम्पशन इज प्रोवाइडेड व्हेन रिसीव्ड फ्रॉम अ सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। फिर सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन, देखिए ये कट चुका है, अप टू हायर सेकेंडरी प्रोवाइडेड टू एनी, प्रोवाइडेड टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज एग्जेम्प्ट। क्लियर है क्या? नेक्स्ट में आएंगे, न्यू एग्जेम्पशंस ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बस कुछ ही सर्विसेज है, न्यूली एडेड फॉर नवंबर 18 एग्जाम्स, ये कभी आप नहीं पढ़े हो, ये हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, सुन लीजिए मेरा बात ध्यान से। सबसे पहला, एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जैसे ताजमहल, ताजमहल इट्स अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करके रख रहा है, तो उस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को आप देखने जा रहे हो तो एंट्री फी लगेगी, तो ये जीएसटी इसमें क्या लगेगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या होगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो देखो क्या है, सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, टू अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एज डिक्लेयर्ड अंडर एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, नहीं पढ़ना इतना, बस ध्यान रखना इतना, एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, दैट्स इट, इससे बेसिक रिक्वायर्ड नहीं है, एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देंगे, ध्यान से, अभी फर्स्ट एग्जेम्पशन मैंने आपको जो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सर? प्योर 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 सर्विस, कौन सा सर्विस? प्योर सर्विस, प्योर सर्विस, प्योर सर्विस, एक्सक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस एंड जो भी सर्विस जिसमें गुड्स इन्वॉल्व्ड है कहीं ना कहीं। अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं किसी सेंट्रल को, स्टेट को, लोकल अथॉरिटी, वॉट एवर, फॉर 243WG आर्टिकल याद है, फॉर एनी एक्टिविटी इंटरेस्टेड फॉर एक्टिविटी कैरिड अंडर 243W एंड 243G, तो सर्विस क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। मतलब गवर्नमेंट अगर किसी से सर्विस ले रहा है टू कैरी आउट एनी एक्टिविटी विच इज मेंशनड इन 243WG, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, तो गवर्नमेंट जो सर्विस ले रहा है, गवर्नमेंट जो सर्विस ले रहा है वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट वो प्योर होना चाहिए, उसमें कोई गुड्स इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को बाहर कर दिया, मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक अमेंडमेंट है, अगर गवर्नमेंट को आप कॉम्पोजिट सप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर? प्योर सर्विस में क्या हो रहा था? इट्स ओनली सर्विस, देयर इज नो मिक्सचर ऑफ गुड्स, तो वहां पे तो अगर गुड्स और सर्विस साथ में देते तो एग्जेम्पशन मिलता? नहीं मिलता। लेकिन थोड़ा सा अमेंडमेंट आया गाइस, यहां पे गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, अगर कोई भी हमें कॉम्पोजिट सप्लाई करेगा, कोई भी हमें, जहां पे गुड्स का वैल्यू, गुड्स का वैल्यू 25% से ज्यादा नहीं है, गुड्स का वैल्यू मतलब इफ आई एम सप्लाइंग यू गुड्स एंड सर्विस चार्जिंग यू 100 crores, 30 crores रिप्रेजेंट गुड्स, 70 crores रिप्रेजेंट सर्विस, हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ गुड्स? 30%, इट विल बी टैक्सेबल।
because it is more than 25%. But if the portion of good is 15 crores, what is the percentage of goods? 15%. It will be exempt. Yani sir, usi mein se inhone kuch kya kiya? Relaxation nikal diya. Kya nikal diya? Relaxation nikal diya. Dhyan se padhiyega. Composite supply of goods and services in which the value of supply constitutes less than or equal to. Wah likhenge not more than that. Wah likhenge not more than 25%. Not more than, matlab goods ki value 25% se jyada nahi honi chahiye. Not more than 25% of value of said composite supply provided to same central, state, UT, local, government authority, government entity. तो गवर्नमेंट ये वाला सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा. माय नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी किसको आता है. आप बताएंगे सर या मैम, आप बताइए. गवर्नमेंट सर्विस पे आरसीएम लगता है ना. अभी पढ़ के गए हम लोग, अभी पढ़ के गए हैं सर. सप्लायर गवर्नमेंट, रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी, जीएसटी बिजनेस एंटिटी. Supplier, government will not pay any GST. Lekin other than four services. DART padhe the. DART padhe the. Ye sare service pe agar ye tax hota to GST kaun bharta? Business entity. Kaun bharta? Government ko koi tension nahi. Ultimately tax kaun dega? Business entity dega. Isliye these services are very important. Ab baat ko samjhega. Arre theek hai kya? To composite supply of goods agar main सेंट्रल, स्टेट, यूटी, लोकल को दे रहा हूं तो उसमें जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, अगेन वही सेम 243D 243W. ये कौन सा सर्विस से आ रहा है? ये कौन सा सर्विस से आ रहा है जो मैंने आज आपको सबसे पहला सर्विस पढ़ाया था? ये सर्विस से आ रहा है. देखिए सेम है, डिट्टो कॉपी पेस्ट. डिट्टो कॉपी पेस्ट यहां से कॉपी कर दिया नीचे. ये 243W जी आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, ये बार बार सर्विस में रिपीट होगा. आप देख लिए, ये फर्स्ट सर्विस में भी था और ये इस सर्विस में भी है. और देखिए यहां पे भी इन्होंने क्या किया, सीजी एसजी यूटी एलएजी सबको इंक्लूड कर दिया. यहां पे भी देखिए क्या किया, सेकंड थर्ड पेज में ये सबको इंक्लूड कर दिया. यानी गुड्स पोर्शन 25% तक हो सकता है. समझ में आ रहे पीयूष? हां. नेक्स्ट सुनिए, अभी अपने बात करेंगे. अगर आप बस हो गया गाइस, एयरक्राफ्ट किसका बात करेंगे? एयरक्राफ्ट. या वेसल से, कहां से? वेसल से. एयरक्राफ्ट या वेसल से अगर आप इंडिया से फॉरेन कंट्री, इंडिया से फॉरेन कंट्री जा रहे हो तो आप कौन सा सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो? ट्रांसपोर्टेशन. कौन सा सर्विस? और अगर आप गुड्स हो, क्या हो? तो आप पे ये वाली सर्विस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा. ये वाला सर्विस पे जीएसटी चार्ज, देखो यहां पे एक्सपोर्ट का बात करो, इंपोर्ट का नहीं. यहां पे किसका बात कर रहे हैं? यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, चाहे एयरक्राफ्ट से चाहे वेसल से, फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया इज एग्जेम्प्टेड. लेकिन ये एग्जेम्प्ट है खाली 30th September 2018, विच इज डेफिनेटली नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम बिकॉज आप नवंबर में दे रहे हो. तो आपको आपको ये डेट दिमाग में नहीं रखना, बट आप ये याद रखना कि वेसल्स और एयरक्राफ्ट से अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दी जा रही है फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया तो ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा. देखिए गाइज, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, बट ट्रस्ट मी, फॉर सीएमए स्टूडेंट्स फॉर दिस टर्म इट केम फॉर रफली 10 to 15 मार्क्स एग्जेम्पशन चैप्टर से. और स्ट्रेट फॉरवर्ड समय था, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ सप्लाई. वो नवाब वाला समय था, टेली एक तो आर्टिस्ट परफॉर्मेंस वाला, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सम था. आई थिंक 7 to 8 मार्क्स का सम था. इससे इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता था. तो प्लीज आप ध्यान दे के इस चैप्टर को पढ़िएगा. खाली रीड, जितना रीड करेंगे ना, यू डोंट हैव टू अप्लाई योर माइंड, दैट इज द बेस्ट पार्ट. यू डोंट हैव टू अप्लाई योर माइंड इन दिस, यू जस्ट हैव टू रीड 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 एंड रीड.
The more reading, the better retention, and it will be good for you in writing. मतलब इसमें कुछ भी learn करने का नहीं है, आप आराम से बस लिख के आओ taxable exempt, तो आपको आराम से number मिलेगा, ठीक है? Next, हाँ, 30th September तक, 2018, उसके बाद government देखेगा taxable कर भी सकता है, exempt रख भी सकता है, but आप तो November में दोगे exam, December में दोगे, आपके लिए law applicable है as on 31st May. 6 महीना पहले, मतलब आप तो दिसंबर में दोगे, थोड़ी ना दिसंबर एग्जाम के एक दिन पहले कोई लॉ उस दिन आ गया, उस दिन आपको अपडेट होना पड़ता, तो आपको एग्जाम के पहले अमेंडमेंट क्लास करके जाना पड़ेगा, वैसे नहीं चलता टेक्निक. द टेक्निक इज 6 महीना पहले का जो अमेंडमेंट है वो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल होता है, ठीक है? सो डोंट वरी. नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, एजुकेशनल सर्विस वाला पेज में आएंगे, मैं अब आपको समझाऊंगा कि ये सर्विस इंपॉर्टेंट क्यों है. गाइस सुनिए मेरा बात, याद करिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स वाला सर्विस. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर कोई सर्विस दे रहा है, कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन. मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मैं हूं ट्रांसपोर्टर, मैं हूं, मेरा बस चलता है वॉल्वो बस सर्विस, ठीक है? मैं सर्विस दे रहा हूं किसको? लामार्ट्स को. किसको दे रहा हूं? लामार्टिनर फॉर बॉयज, पता है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. कौन सा सर्विस दे रहा हूं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स. एग्जेम्प्ट है क्या? करेक्ट, एग्जेम्प्ट है. वेरी गुड, बस और एक एग्जेम्प्शन पढ़ना आपको. सर वॉल्वो बस सर्विस के पास क्या है? बस. इसको बस मिला अकबर कार ट्रेवल्स. अकबर कार ट्रेवल्स इस वॉल्वो बस सर्विस वाले को क्या दिया पता है? रेंट पे दिया. क्या दिया? या हायर पे दिया मोटर व्हीकल्स. हायर पे दिया मोटर व्हीकल मतलब बस. तो आपको पता है ये वाली सर्विस भी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी. मतलब जो स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है उसको अगर कोई मोटर व्हीकल्स हायर पे दे रहा है तो वो सर्विस भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा. बट द पॉइंट इज ये वॉल्वो बस सर्विस को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस किसको देना है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देना है. मतलब सिंपल सा बात है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव. जो वॉल्वो बस सर्विस वाले थे वो लोग बोले कि सर आपने गलत किया. क्या गलत किया? आप मेरे को बोलते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो सर्विस दे रहे हो उसे जीएसटी चार्ज मत करो, ठीक है? नहीं किया. बट मैं तो भाड़ा लेता हूं, मैं तो ये बस भाड़े पे लेके रखा हूं, उससे भी तो बोलो हमें से जीएसटी चार्ज नहीं करे. वो तो मेरे पे जीएसटी चार्ज करता है और मेरा कॉस्ट भर जाता है. तो गवर्नमेंट बोला अच्छा ठीक है, सबको बोल देते हैं. उसको भी बोल दिया जीएसटी चार्ज मत करो और ये तो ऑलरेडी नॉट चार्जेबल था ही. अब आपको समझ में मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज हर तरीके से कहीं ना कहीं लिंक इज कनेक्टिंग टू एजुकेशनल सर्विसेज, ठीक है? अरे ठीक है, तो देखिए एक बार. सर्विसेज बाई वे ऑफ गिविंग ऑन हायर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ टू अ पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ. पर्सन कौन हुआ? अकबर ट्रेवल्स. कौन हो गया? अकबर ट्रेवल्स. और सर्विसेज फॉर ट्रांसपोर्ट कौन दिया? वॉल्वो बस सर्विस. किसको दे रहा है? किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे रहा है. अगेन प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी, मतलब वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का फर्स्ट क्लॉज. एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, आईसीआई को नहीं, वोकेशनल एजुकेशन को नहीं, सीएस को नहीं, सीएमए इंस्टीट्यूट को नहीं, जो एक्चुअल स्कूल्स बच्चे, स्कूल के बच्चे. किसके बच्चे? स्कूल्स के बच्चे, क्लास 12 तक. अरे समझ में आ रहा है? मान लो कल आईसीआई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चालू कर दिया, नहीं मिलेगा एग्जेम्प्शन.
अरे समझ में आ रहा है, वो खाली प्री स्कूल को मिलेगा, मतलब एचएस या एचएस जितना लेवल अगर कोई है तो। देखिए ई एफ एफ देखते हैं, ई एक बार छोड़ते हैं, सर्विस बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयरहाउस, फ्यूमिगेशन मतलब पेस्ट कंट्रोल, वेयरहाउस में इंसेक्ट जानवर वानवर पूरा यू नो अक्यूमुलेट हो जाता है, बहुत सारा गुड स्टोर होता है, तो आप किसी पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाते हो, वो आपको पेस्ट कंट्रोल करके पूरा वेयरहाउस को चकाचक कर देता है, पेस्ट का पूरा चकाचक कर देता है, तो उसमें जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, तो यहां लिख लो पेस्ट कंट्रोल, क्या लिख दो पेस्ट कंट्रोल। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैव बीन एग्जेम्प्टेड, फ्यूमिगेशन मतलब पेस्ट कंट्रोल। फिर आरटीआई, आरटीआई पता है राइट टू इंफॉर्मेशन, अब राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर क्या करते हो, सर मेरे को इतना कम मार्क्स मिला मुझे चाहिए मेरा मार्क्स का शीट, ऐसे करते हो जनरली, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, काफी स्टूडेंट्स करते भी आईटीआई के अंदर एप्लीकेशन, बट स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज सब इंस्टीट्यूट्स का बहुत अच्छा फैसिलिटी है, आप नॉर्मल कोर्स में भी जा सकते हो, आपको पेपर रीवैल्यूएट रीचेक करना है, बट जो भी आरटीआई का अपना एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक्ट है, जो आपको बोल सकता है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप एप्लीकेशन मांगो, आपका राइट है इन्फॉर्मेशन जानने का, तो भैया एप्लीकेशन फी भी लगता है, क्या लगता है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आईटीआई हैव बीन एग्जेम्प्टेड, ठीक है, मेरे को लग रहा है आप लोगों का ढीला हो गया हालत, ठीक है, सबका हो गया ढीला, किसका किसका ढीला नहीं हुआ है, सी देखिए लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली ऑनेस्टली, मेरे को झूठ बोलने का आदत नहीं है, इसमें कम से कम देखिए आज बीइंग द डे ऐसा डे है तो मेरा भी काफी टाइम वेस्ट हो गया, बट ज्यादा पढ़ने का वैसे है नहीं, ये सर्कुलर वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये सर्कुलर वाला पार्ट अपने को पढ़ना है जो अगला दो पेज में है, जो बहुत ईजी है, 15 मिनट लगेगा इसमें, एग्जेम्पशंस का 3 सर्विस बचा है, तो अगर आप 20 मिनट्स 25 मिनट्स वेस्ट करने का है, मतलब नॉट वेस्ट, सॉरी आई टेक बैक माई वर्ड्स, 20 से 25 मिनट्स यूटिलाइज करने का, अगर आप में अभी हिम्मत है तो आप बैठ सकते हो, वरना कल एक बार आपको फिर आना पड़ेगा, हा हा ठीक है, तो ठीक है, तो इट्स योर कॉल, ठीक है, ओके, पॉइंट नंबर एच में आइए, ठीक है, बहुत सिंपल है, मैं आपको बहुत इजी वे में करा रहा हूं, पॉइंट नंबर एच में आइए, सर सुनिए, शाम में आप लोगों का क्लास है यहाँ पे, हाँ नहीं है ना, गवर्नमेंट माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करता है, गवर्नमेंट माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करता है, किसके साथ, कंपनीज के साथ, मान लीजिए क्रूड ऑयल, दिवाली मना रहे आप, मान लीजिए क्रूड ऑयल, तो गवर्नमेंट माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करता है कंपनी के साथ क्रूड ऑयल, जिसमें से कुछ कंसिडरेशन किसको मिलता है, किसको मिलता है, गवर्नमेंट को मिलता है, सुनिए मेरा बात ध्यान से, यू हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म रॉयल्टी, राइट टू यूज, राइट टू यूज ट्रांसफर किया जाता है, माइनिंग राइट्स गवर्नमेंट ने एक कंपनी को दिया कि तुम एक पर्टिकुलर एरिया से क्रूड ऑयल को
एक्सट्रैक्ट करो, क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करो, लेकिन जितना तुम क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट करेगा उसका कुछ शेयर तुमको मेरे को देना पड़ेगा, उसका कुछ शेयर तुमको, जिसको अपने बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्या बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। इस पर्टिकुलर सर्विस पे जीएसटी को एग्जेम कर दिया, इस पर्टिकुलर सर्विस पे जीएसटी को एग्जेम कर दिया कि सर गवर्नमेंट सर्विस तो दे रहा है माइनिंग राइट्स का, अगेंस्ट विच गवर्नमेंट इज रिसीविंग शेयर ऑफ, नॉट सर्विस, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ, कि सर वो प्रॉफ, वो पेट्रोलियम, जो भी क्रूड ऑयल पेट्रोलियम जितना भी तुम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसका कुछ शेयर गवर्नमेंट को जाता है, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? द आंसर इज नो। यही पर्टिकुलर बात इन्होंने इस एग्जिबिशन में बोला है कि वेयर दी सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस समझ गए, राइट्स देना टू एक्सप्लोर और माइन पेट्रोलियम क्रूड और नेचुरल गैस हैज बीन एग्जेम्प्टेड ऑन द कंसिडरेशन पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम। मतलब मैंने आपको बोला था गवर्नमेंट माइनिंग राइट्स देता है, लॉन्ग लीज पे देता है, किसको, कंपनीज को, कंपनीज के साथ कुछ अग्रीमेंट में एंटर करता है कि हे कंपनीज तुम अगर 10,000 टन्स निकालेगा उसमें से 3,000 मेरे को देगा, यही मेरा कंसिडरेशन है, ये मेरा। तो इस पर्टिकुलर सर्विस पे जहां पे शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर किया जाता है गवर्नमेंट के साथ, वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है गाइस, तो ये हो गया अपना न्यू सर्विसेज। ई वाला सर्विस आओ, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट थोड़ा बहुत आपको बताना जरूरी है बिकॉज मैट में है गाइस, कोई उपाय नहीं अपने पास। ठीक है, ई सुनो, आईएफएससी क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, एसईजेड क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आईएफएससी का आपको इंटेंशन बता देता हूं गवर्नमेंट गाइस, आईएफएससी इज बेसिकली टू प्रमोट फाइनेंशियल सर्विसेज, टू प्रमोट फाइनेंशियल सर्विसेज, टू प्रमोट फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ग्लोबली ताकि हम इंडियंस, ताकि इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर बूम में रहे, किस में रहे, बूम में। तो जैसे एसईजेड को क्या किया, एक अनडेवलप्ड को डेवलप करने के लिए एसईजेड डिमार्केट कर दिया, वैसे इन्होंने क्या किया, एसईजेड के अंदर ही एक सेंटर बनाया आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। अब होता क्या है, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में मैं क्या होता हूं, मैं एक इंटरमीडियरी होता हूं, क्या होता हूं, इंटरमीडियरी का स्टेटस ले लेता हूं, जो सर्विस देता है, जो सर्विस देता है, और कहां पे बैठ के देता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। तो अगर मैं एक इंटरमीडियरी हूं और सर्विस प्रोवाइड करो फाइनेंशियल सर्विसेज का, मैं आईएफएससी में लोकेटेड हूं, मैं अगर किसी फॉरेनर को, किसको, फॉरेनर मतलब कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया को सर्विस दे रहा हूं, किसको दे रहा हूं, कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया को सर्विस दे रहा हूं, वो भी किसके बेसिस पे, डॉलर बेस्ड, या लिख दीजिए डॉलर बेस्ड, आईएनआर बेस्ड नहीं, डॉलर बेस्ड, या मतलब फॉरेन करेंसी बेस्ड लिख दीजिए, मतलब मेरे को इंडिया में पैसा मिल रहा है कितना, फॉरेन करेंसी में, तो इंडिया के लिए अच्छा कि बुरा, अच्छा, इट्स एज गुड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इट्स एज गुड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। सुनो, मैं हूं आईएफएससी में एक इंटरमीडियरी फाइनेंशियल सर्विस, एक इंटरमीडियरी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, मैं किसी इंडिया के बाहर कस्टमर को सर्विस दे रहा हूं, इंडिया के बाहर कस्टमर को सर्विस दे रहा हूं, उस केस में अगर मैं डॉलर में पैसा ले रहा हूं या एनी येन में पैसा ले रहा हूं, वट एवर, अदर देन रुपीज में, अदर देन रुपीज में, तो ये जो सर्विस मैं सप्लाई कर रहा हूं और जो पैसा मुझे रिसीव हो रहा है उसमें जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जीएसटी एग्जेम्प्ट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, खाली पढ़ के चला जाओ, खाली आपको ध्यान रखना है कि सर स्पेसिफाइड इंटरमीडियरी कौन होते हैं, स्पेसिफाइड इंटरमीडियरी कौन होते हैं, अल्टीमेटली वो लोग जो गवर्नमेंट अप्रूव करते हैं, कौन करते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव करता है, हर लोग नहीं बन सकता, एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट बी डन,
आप ऑथेंटिकेटेड हो, आप ही बन सकते हो एक स्पेसिफाइड इंटरमीडियरी, वरना नहीं बन सकते। तो देखो नीचे लिस्ट दिया है, इंटरमीडियरी आईएफएससी इज अ पर्सन जो चार कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करते हैं। पहला, अगर वो परमिटेड या रिकॉग्नाइज एज सच बाय द गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर दिया है। या नेक्स्ट, ही इज ट्रीटेड एज अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया अंडर फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस। He is registered under IRDA. IRDA, देखिए हर का अपना अपना IFSC का regulations है। If you see bracket में क्या है, International Financial Service Center regulations 15, International Financial Service Center guidelines 15, मतलब सबका अपना अपना guidelines है। आप बस ये याद रखना, it should be authenticated by IRDA, it should be authenticated by government, they should be authenticated by FEMA, and they should be authenticated by SEBI. स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको टैक्सेबिलिटी पूछेगा, आपको याद ही रखना है कि सर मेरे को इसका आंसर याद होना चाहिए, ऑथेंटिकेटेड है, कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और डॉलर में या फॉरेन बेस्ड करेंसीज में आप रिसीव करो, तो ही क्या हो जाएगा, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट होगा, वरना ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना ये कहां पे लोकेटेड है, आईएफएससी में लोकेटेड है, आईएफएससी में लोकेटेड है। ठीक है, अब बहुत इंटरेस्टिंग है, बुक को बंद कर दीजिए। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या राइस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, पैडी। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगर शॉर्ट में पूछो तो रॉ जो कल्टीवेट होता है लैंड से, जो कल्टीवेट होता है और फर्दर प्रोसेस नहीं होता, और फर्दर प्रोसेस या उतना ही प्रोसेस होता है टू रेंडर मेक इट मार्केटेबल एंड इट डज नॉट एसेंशियली चेंज द नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, उतना ही होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उतना ही होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब ये जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है ना गाइस, अब इसमें गवर्नमेंट ने कुछ क्लैरिफिकेशन इश्यू किया, गवर्नमेंट ने कुछ क्लैरिफिकेशन इश्यू किया, बहुत इजी है, ध्यान से समझो। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कंफ्यूजन आ रहा था कि सर क्या वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, क्या उस रिलेटेड पर्टिकुलर प्रोड्यूस से कुछ भी सर्विस एग्जेम्प्ट होगा, तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया। खाली देखो, आपको आपको मैट में देखने का तरीका, यू जस्ट सीन द स्क्रीन, मैं आपको देखता हूं, ब्लैक टी व्हाइट टी, ब्लैक टी 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 किससे बनता है, ब्लैक टी व्हाइट टी, हाँ टी लीव्स, तो टी लीव्स में कुछ आप प्रोसेसिंग करते हो जिससे वो अलग अलग तरीके का टी बनता है, कॉफी कॉफी बीन्स, आप बात समझ में आ रहे हैं, बात समझ में आ रहे हैं। तो जैसे टी को प्रोड्यूस करने के लिए आपका ब्लैक टी व्हाइट टी लगता है, आप कॉफी बीन्स सॉरी टी से आपका ब्लैक टी व्हाइट टी अलग तरीके का निकलता है, कॉफी बीन्स को प्रोसेस करते हो, पाउडर पल्सेस जैगरी प्रोसेस स्पाइसेस प्रोसेस ड्राई फ्रूट्स प्रोसेस कैशूनट्स, कैशूनट्स कांजू, एक तो रॉ कैशूनट आता है जो फार्मर ग्रो करता है, उसको कट किया जाता है, उसमें प्रोसेस की जाती है और फिर फाइनली हमें खाने वाला कांजू मिलता है। तो जो प्रोसेस्ड कैशूनट है क्या वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। जो प्रोसेस स्पाइसेस, स्पाइसेस समझ गए, स्पाइसेस क्या हो गया, टर्मरिक हो गया, सारे मसाले जो भी आप फूड में खाते हो, जो आप फूड में खाते हो, तो सर टर्मरिक भी क्या होता है, एक टर्मरिक होता है जो एकदम रॉ होता है, मोटा होता है, और एक होता है पाउडर, एक होता है, तो अगर आप उसको पाउडर बना देते हो क्रश करके और वो पाउडर की तरह सेल होता है, तो अगेन इट रिटेन्स, इट डज नॉट रिटेन इट्स ओरिजिनल कैरेक्टर। तो यहां पे क्या हो गया, प्रोसेस स्पाइसेस। तो यहां पे एक तो क्लैरिफिकेशन इश्यू किया गया कि व्हाट ऑल सच प्रोडक्ट्स विट फॉल आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड देयरफॉर द एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी इज नॉट अवेलेबल टू देयर लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग एंड वेयरहाउसिंग। अगर आपको याद होगा एग्रीकल्चर सर्विस में एक सर्विस था लोडिंग अनलोडिंग वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो ये सब के सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं, टी प्रोसेस्ड कॉफी प्रोसेस्ड जितने भी जैगरी है
प्रोसेस स्पाइसेस है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सब के सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के डेफिनेशन से बाहर है, और क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के डेफिनेशन से बाहर है इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, इट्स अ सिंपल थिंग, ये क्लैरिफिकेशन इशू हुआ। नेक्स्ट देखेंगे सर, इंश्योरेंस रिलेटेड आपको दो सर्विस याद रखना है। अगर मैं गवर्नमेंट को इंश्योरेंस का सर्विस दे रहा हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस का सर्विस दे रहा हूं, अगर मैं किसी गवर्नमेंट को इंश्योरेंस का सर्विस दे रहा हूं और उसका प्रीमियम गवर्नमेंट दे रहा है, तो ये एग्जेम्प्ट होता है। क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। अरे बताइए, लेकिन अगर मैं किसी इंडिविजुअल को दे रहा हूं, अगर मैं किसी गवर्नमेंट को नहीं दे रहा हूं, मैं किसी इंडिविजुअल को दे रहा हूं, गवर्नमेंट को नहीं दे रहा हूं, तो इसका क्या होगा? ये सर्कुलर बताता है। बात को आराम से समझेंगे, एक बार इस सर्कुलर का एप्लीकेबिलिटी देखेंगे, ये किस पर्टिकुलर इश्यू पे आया है। सो एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइडेड बाय अ स्टेट गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड बाय अ टू एम्प्लॉइज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या पुलिस पर्सनल, टू एम्प्लॉइज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या पुलिस पर्सनल या एम्प्लॉइज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स एक्सेट्रा। आराम से, यहां पे क्या हो रहा है, ये डायग्राम बना लो एक बार। स्टेट गवर्नमेंट दो चीज कर रहा है, एक केस में स्टेट गवर्नमेंट, एक केस में स्टेट गवर्नमेंट प्रीमियम क्या हो रहा है, घुस के फोटो ले रहे हैं। लीजिए लीजिए लीजिए, आराम से लीजिए। देखिए लिखे, प्रीमियम पेड बाई स्टेट गवर्नमेंट, और एक में प्रीमियम इज पेड बाय स्टूडेंट्स। देखिए गाइस, इसमें दो सर्विस आपको ध्यान रखना चाहिए, एक है गवर्नमेंट सर्विस, एक है गवर्नमेंट सर्विस। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपको याद होगा गवर्नमेंट सर्विस, क्या गवर्नमेंट सर्विस में हम लोग एक एग्जिमिशन पढ़े थे कि गवर्नमेंट सर्विस, अगर गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल को, किसी जो एक बिजनेस एंटिटी नहीं है, जो एक बिजनेस एंटिटी, वो सर्विस एग्जेम्प्ट होता है वो सर्विस। और एक जगह पढ़ी थी कि गवर्नमेंट अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है जहां बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से ज्यादा नहीं है, तो वो सर्विस भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। अरे बोलिए, याद आ रहा है, एक पढ़े थे गवर्नमेंट सर्विस में जहां पे कंसिडरेशन 5000 से बेसी नहीं है, तो वो भी सर्विस क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। अरे बोलिए, तो मेरे को बताइए, यहां पे गवर्नमेंट पॉलिसी सप्लाई, मैं गवर्नमेंट को पॉलिसी सप्लाई कर रहा हूं, यहां पे प्रीमियम अगर गवर्नमेंट दे रहा है, प्रीमियम अगर गवर्नमेंट दे रहा है, तो वो ऐसे ही एग्जेम्प्ट है क्योंकि गवर्नमेंट प्रीमियम दे रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट। तो देर आर टू सर्विसेज, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, एक सर्विस है जहां पे गवर्नमेंट सप्लाई कर रहा, मैं सप्लाई कर रहा हूं गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट प्रीमियम दे रहा है, तो दैट इज अ एग्जेम्प्ट सर्विस। ये गवर्नमेंट सर्विस से फ्लोर है, ये कहां से फ्लोर है, गवर्नमेंट सर्विस से फ्लोर है। और गवर्नमेंट सर्विस में और एक सर्विस है कि गवर्नमेंट अगर किसी इंडिविजुअल को, गवर्नमेंट अगर किसी इंडिविजुअल को सर्विस दे रहा है, तो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। बिकॉज अपने एग्जेम्पशन चैप्टर में पहला सर्विस जब पढ़े थे गवर्नमेंट सर्विस में, अपने क्या पढ़े थे कि एनी सर्विस सप्लाइड बाय गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट, सब एक्सेप्ट फोर, एक्सेप्ट पहला तो वही डिपार्टमेंट ऑफ वो वाला पोस्टल वाला, ए कौन सा था,
एयरक्राफ्ट और एयरपोर्ट, फिर क्या था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर, और चौथा था एनी सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी. ओ स्टूडेंट्स आर नॉट बिजनेस एंटिटी, दे आर नॉट डूइंग बिजनेस. अगर गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल को सर्विस दे रहा है दैट इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ टैक्स. अगर गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल को सर्विस दे रहा है दैट इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ, उसमें टैक्स नहीं लगता है. बिकॉज ये इसी मतलब चार सर्विस ही पूरे टैक्सेबल है गवर्नमेंट के. पहला कौन सा, पोस्टल डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. तीसरा एयरपोर्ट और वेसल से रिलेटेड, आसपास रिलेटेड जो भी सर्विसेज. और चौथा एनी सर्विस टू बिजनेस एंटिटीज. यानी सर अगर अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस नहीं देके, अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस नहीं देके इंडिविजुअल को सर्विस देती है तो वहां पे टैक्सेबिलिटी नहीं आता है, वहां पे टैक्सेबिलिटी नहीं आता. तो एक बार इसको देखो, यहां पे एक प्रॉब्लम आ गया था कि वेयर द प्रीमियम इज पेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, वेयर द प्रीमियम इज पेड बाय स्टेट गवर्नमेंट क्या होगा, इट विल बी एग्जेम्प्ट सिंस प्रीमियम इज पेड बाय द गवर्नमेंट. बट वेयर द प्रीमियम इज पेड बाय एम्प्लॉइज, जब प्रीमियम इज पेड बाय मतलब पॉलिसी इशू किया गया बट प्रीमियम कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉइज, प्रीमियम कौन पे कर रहा है, तो यहां पे प्रीमियम इज पेड बाय द एम्प्लॉइज एंड स्टूडेंट्स एंड सिंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल्स आर एग्जेम्प्ट, इट विल बी एग्जेम्प्ट. देखिए दो सर्विस है, एक जगह पे गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है एम्प्लॉइज को और एक जगह पे कोई दूसरा पार्टी सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट को, कोई दूसरा पार्टी सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट को. ठीक है, नॉट वेरी रेलिवेंट बट प्लीज एक बार आप प्लीज उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जब आप गवर्नमेंट सर्विस पढ़ लेंगे ना तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, अभी बात करेंगे मिलिंग ऑफ पैडी. क्या मिलिंग ऑफ पैडी, पैडी को मिल करते हैं, पैडी से क्या बनता है, राइस. क्या मिलिंग ऑफ पैडी, क्या मिलिंग ऑफ पैडी का जो सर्विस है क्या वो एग्जेम्प्ट होना चाहिए कि टैक्सेबल होना चाहिए, क्या मिलिंग ऑफ पैडी का एग्जेम्प्शन होना चाहिए कि टैक्सेबल होना चाहिए, टैक्सेबल होना चाहिए. द आंसर इज वाई, क्यों सर, पैडी इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पैडी से जब वो राइस बनता है पैडी का पूरा नेचर बदल जाता है, पैडी का पूरा नेचर बदल जाता है. और जो पैडी पैडी मिल करते हैं, जो मिलिंग ऑफ पैडी एक्टिविटी करते हैं, उसका नेचर पूरा अलग होता है. तो गा पे गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई मिलिंग ऑफ पैडी कर रहा है बाय द राइस मिलर्स, बाय द राइस मिलर्स, तो यहां पे कोई भी एग्जेम्पशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. बिकॉज मिलिंग ऑफ पैडी इंटू राइस चेंजेस इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, देयरफॉर मिलिंग ऑफ पैडी इंटू राइस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस. ठीक है, ठीक है. कॉलेज हॉस्टल मेस, कॉलेज हॉस्टल मेस, जेवियर्स कॉलेज का खुद का मेस चलता है. ये मेस कॉलेज चलाता है, इजी है ये मेस कॉलेज, ये मेस का फूड अपने स्टूडेंट्स को देता है. क्या कॉलेज सर्विस दे रहा है स्टूडेंट को, यस. एग्जेम्पशन देंगे, सिंपल एग्जेम्पशन देंगे. तो इफ If the mess is run by the educational institution and not a third party, the service is exempt because college is providing it to students and students wala service exempt hai. Lekin what if ye mess koi aur third party own kar raha hai? What if this third party, matlab sir, ye jo mess ka service de rahe hai, कोई और सर्विस, ये सर्विस इज सप्लाइड बाय एनी पर्सन अदर देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. जेवियर्स छोड़ के बाकी लोग कोई सर्विस दे रहे हैं, कैंटीन सर्विस जेवियर्स नहीं दे रहा, कोई और दे रहा है, तो ये क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर. अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को मिल रहा है बट वहां पे केटरिंग सर्विसेज जेवियर्स दे रहा था इसलिए वहां एग्जेम्पशन था. बट सेकेंड पार्ट में जेवियर्स इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन प्रोवाइडिंग केटरिंग सर्विसेज. आप समझ गए, तो एक बार पढ़ो आपको समझ में आएगा. वेदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कॉलेज होस्टल मेस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, सच मेस फैसिलिटीज आइदर रन बाय द इंस्टीट्यूशन,
स्टूडेंट themselves और इट इज आउटसोर्स टू अ थर्ड पर्सन. या तो स्टूडेंट्स चलाते हैं या तो थर्ड पर्सन चलाता है या तो खुद कॉलेज चलाता है. तो दो केस है इसमें. एक केस में एग्जेम्पशन कब मिलेगा, अगर केटरिंग सर्विस इज वन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. इफ केटरिंग सर्विस इज वन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. लेकिन टैक्सेबल कब होगा, इफ द केटरिंग सर्विस दैट इज सप्लाई ऑफ फूड ड्रिंक इन द मेस और कैंटीन इज प्रोवाइडेड बाय एनीवन अदर देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. कोई और पर्सन अगर कर रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन छोड़ के तो उस केस में आपको टैक्सेबल करना पड़ेगा. देन यू विल नॉट बी अलाउड टू क्लेम एनी एग्जेम्पशन क्योंकि आप एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सर्विस नहीं दे रहे हो, एक थर्ड पार्टी दे रहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, आई मीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस. नेक्स्ट इज हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाई ट्रस्ट टू स्टूडेंट्स कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी. याद करो चैरिटेबल सर्विस पढ़े थे, याद करो चैरिटेबल सर्विस पढ़े थे. चैरिटेबल एक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है बाई रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट तो सर्विस क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है. अगर कोई ट्रस्ट हॉस्टल में अकोमोडेशन दे रहा है स्टूडेंट्स को तो क्या वो कवर होगा? सर कहीं पढ़े थे क्या चैरिटेबल एक्टिविटी में हॉस्टल अकोमोडेशन? हॉस्टल अकोमोडेशन का एग्जेम्प्शन नोटिस अलग था, 1000 रुपया से कम, याद आ रहा है, 1000 रुपीज से कम पर डे. अगर 1000 रुपीज से पर डे आपका लिमिट है वो भी कौन सा डिक्लेयर टैरिफ, कौन सा टैरिफ, तो जीएसटी विल बी एग्जेम्प्टेड. तो देखो क्या लिखा है, हॉस्टल अकोमोडेशन सर्विस डू नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी सिंस सच सर्विस इन हॉस्टल्स इंक्लूडिंग बाई ट्रस्ट हैविंग डिक्लेयर टैरिफ बिलो 1000 डे विल बी एग्जेम्प्ट. अगर सच सर्विस डिक्लेयर टैरिफ 1000 रुपए से कम है तो आपका जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा. लास्ट में आता है हेल्थ केयर सर्विस, दैट्स इट, हेल्थ केयर सर्विस लास्ट में आता है. एग्जाम्पल देता हूं, एक पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, पेशेंट को फूड दिया जाता है, क्या दिया जाता है, क्या होगा, टैक्सेबल के एग्जेम्प्ट, क्यों आप बोल रहे हो एग्जेम्प्ट क्यों, वेरी गुड, वो हेल्थ केयर सर्विस का ही पार्ट हो जाएगा, वो हेल्थ केयर सर्विस का ही. पेशेंट के साथ उसके फैमिली मेंबर्स भी आते हैं, फैमिली मेंबर्स हॉस्टल के कैंटीन में खाना खाते हैं, उसका बिल अलग बनता है, वो हेल्थ केयर सर्विस में आएगा कि नहीं आएगा, टैक्सेबल. समझ में आया, टैक्सेबल. डॉक्टर्स भी खाना खाते हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी खाना खाते हैं, उसमें एग्जेम्पशन में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, हेल्थ केयर सर्विस का है बस. कहा लिखा कि डॉक्टर खाएगा तो भैया एग्जेम्प्ट थोड़ी ना, हेल्थ केयर सर्विस में खाए. You have to read the notification very properly. Healthcare service. Doctor बीमार है कि कौन बीमार है? Sir, patient को ठीक करने के साथ साथ doctor भी बीमार हो गया. वैसे नहीं चलता. ठीक है, तो healthcare related service को लेके थोड़ा सा issue है. अच्छा, और एक बात पूछता हूं, आपको पता है doctor जितने भी होते हैं ये hospital hospital और doctor के बीच में क्या arrangement होता है, पता है आपको? कोई कोई का फिक्स्ड होता है कि उन्हें फिक्स रेम्यूनरेशन मिलता है सैलरी टर्म में. कोई कोई का 194J वाला होता है, प्रोफेशनल सर्विसेज. क्या होता है, प्रोफेशनल सर्विसेज, कि वो लोग का पेशेंट वाइज फिक्स रहता है कि ये पेशेंट एडमिट होगा, जितना नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिट होगा वो होगा. तुम्हें कोई एक बात बताइए, हॉस्टल नहीं डॉक्टर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू हॉस्पिटल. आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हो हॉस्पिटल का डॉक्टर इलाज करता है, आपको डॉक्टर का बिल नहीं मिलता है, आपको हॉस्पिटल का बिल मिलता है जिसमें डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस चार्ज की जाती है. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो हो क्या रहे, आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, आपको बहुत सारा सर्विसेज मिला, दवाई मिला, फूड मिला, बेडरूम मिला, नर्सेज की सर्विसेज मिली, डॉक्टर की एडवाइजरी कंसल्टेंसी सर्विसेज मिली. तो वहां पे आपको क्या समझना है, सर आपको यही समझना है, कुछ क्लैरिफिकेशन इशू है. पहला फूड वाला मैंने बात बोल दिया आपको, कि अगर हेल्थ, यहां पे कौन सा सर्विस आ रहा है, हेल्थ केयर से रिलेटेड जो सर्विस है इट विल बी एग्जेम्प्टेड, जो पेशेंट को अपनाया जा रहा है. तो फूड विल बी कमिंग पार्ट इन द पेशेंट का सर्विस, इट विल बी एग्जेम्प्ट. आउटसाइडर्स को देंगे टैक्सेबल, डॉक्टर्स को देंगे टैक्सेबल. अब बताते हैं कि सर अगर डॉक्टर
फीस ले रहा है पेशेंट से नहीं लेता, हॉस्पिटल से लेता है, क्या उसमें जीएसटी लगेगा? क्या नहीं लगना चाहिए? बिकॉज वो फीस क्यों दे रहा है? हेल्थ केयर के लिए। क्या चीज के लिए? हेल्थ केयर के लिए। हेल्थ अल्टीमेटली सर्विस क्या है? हेल्थ केयर सर्विस। इट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू हॉस्पिटल्स बट फॉर द पेशेंट। आप देखो डायरेक्टली नहीं हो रहा बट इनडायरेक्टली तो हो रहा है, बट इनडायरेक्टली तो हो रहा है। तो यहां पे क्लैरिफिकेशन उसी क्यों कि ये इस पे जीएसटी टैक्सेबल नहीं होगा। तो देखो फटाफट पढ़ लेते हैं। कंसल्टेंसी चार्जेस पेड बाय हॉस्पिटल्स टू सीनियर डॉक्टर्स विदाउट हैविंग एनी कॉन्ट्रैक्ट विथ पेशेंट्स एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। मतलब पेशेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सीधा डॉक्टर को पेमेंट किया, सीधा डॉक्टर को पेमेंट किया। कौन? हॉस्पिटल्स। तो क्या इसमें जीएसटी कलेक्ट करेगा? नो, इट इज एग्जेम्प्ट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सच पर्संस हायर्ड बाय द हॉस्पिटल्स आर हेल्थ केयर सर्विसेज। चाहे हॉस्पिटल को जो भी वो पेमेंट कर रहा है, आई मीन हॉस्पिटल से वो जो भी रिसीव कर रहा है, इट विल बी एग्जेम्प्टेड। ठीक है, अरे ठीक है क्या? नेक्स्ट। अच्छा और एक चीज, सेम बात, नर्सेस को भी पेमेंट होता है, जितने भी लैब असिस्टेंट्स रहते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, सबको पेमेंट होता है। हर चीज में ये एप्लीकेबल करेंगे? समझ में आ रहा है? हर क्लास में तुम्हारा फोन बजता है, सॉरी बोलने से नहीं होगा, आज तुमको इसका पनिशमेंट मिलेगा, डांस करके दिखाना पड़ेगा थोड़े दिन। होए चल बिना चल बिना चल बिना, आज मेरा दिन है, मेरा दिन, आज मेरा दिन, आज तो बने। थैंक यू गाइज, आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, अभी तक बैठे हो विदाउट एनी एंग्री मोड। ठीक है, पार्ट भी आइए, फास्ट खत्म, लास्ट पेज। रिटेंशन मनी केप्ट आउट ऑफ टोटल पेमेंट रिसीव्ड बाय हॉस्पिटल्स फ्रॉम पेशेंट्स आफ्टर पेइंग टू कंसल्टेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग एंसिलरी सर्विसेज सच एज इंक्लूडिंग नर्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर समझ गए? रूम्स, पैरामेडिक केयर, इमरजेंसी, चेकिंग ऑफ टेम्परेचर, वेट, ब्लड प्रेशर, सब चीज। ये सब किस में आ गया? अरे थोड़ी ना कि हेल्थ केयर में खाली जब वो आईसीयू में लेके जाते हैं तभी होगा। अरे बॉस, उसके पहले जितना एक्टिविटीज है, वो ब्लड चेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, वेट कर रहा है, जो भी कर रहा है, सब क्या इसमें आ जाएगा? हेल्थ केयर सर्विस में आ जाएगा। तो द इंटायर अमाउंट चार्ज बाय हॉस्पिटल फ्रॉम पेशेंट इंक्लूडिंग रिटेंशन मनी एंड पेमेंट मेड टू द डॉक्टर्स इज टुवर्ड्स द हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल टू पेशेंट एंड इज इट इज एग्जेम्प्ट। एक सिंपल बात, जो भी अमाउंट हॉस्पिटल वाला पेशेंट से चार्ज करेगा वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फूड वाला बात है सी में, फूड सप्लाइड टू द पेशेंट्स बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द कैंटीन्स रन बाय द हॉस्पिटल और मे बी आउटसोर्स बाय द हॉस्पिटल फ्रॉम द आउटडोर केटरर्स। मतलब जो फूड सप्लाई करता है हॉस्पिटल्स, या फूड सप्लाई किया जाता है बाय किसी आउटसोर्स पर्सन। तो तीन केस, चार केस हो सकता है गाइस। फूड सप्लाइड बाय आउटडोर केटरर्स है तो टैक्सेबल होगा क्योंकि दूसरे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, आप खाली टैक्सेबल एग्जेम सोचना। आईटीसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो आपको ध्यान नहीं देना, आईटीसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा वो आपको ध्यान नहीं देना। फूड सप्लाइड बाय ओन कैंटीन्स ऑफ हॉस्पिटल्स, खुद का कैंटीन्स, टू द डॉक्टर्स एंड देयर स्टाफ, टू डॉक्टर्स एंड देयर, इट विल बी, इट मे बी सब्जेक्ट टू जीएसटी विदाउट एनी आईटीसी। ओन कैंटीन्स ऑफ हॉस्पिटल्स टू डॉक्टर्स एंड देयर स्टाफ, ये क्या होगा? जीएसटी में टैक्सेबल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन मेनी कंडीशंस। फूड सप्लाइड टू द पेशेंट्स एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर, एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर, इट इज ए पार्ट ऑफ द कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर। मतलब सिंपल, आप बीमार हो, ठीक है, आप बीमार हो, नीचे ग्राउंड फ्लोर में सबके लिए पिज्जा पास्ता मिलता है। ठीक है, आप बीमार हो, सेकेंड फ्लोर में आपको मिलेगा सूप, आपको मिलेगा सूप। तो सूप पे जीएसटी नहीं लगेगा, पिज्जा पास्ता पे जीएसटी लग जाएगा। पिज्जा चाहे आप कंज्यूम कर रहे हो, हेल्थ केयर सर्विस नहीं, हो केयर के लिए थोड़ी ना हेल्थ। आप समझ गया मेरा बात? अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं, नर्स को ले प्लीज मैम, मम्मी को मत बताइएगा, हमको पिज्जा खाने का मन हो रहा है, प्लीज बोर हो गए सूप पी पी के, वैसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। आप समझ गए? मतलब जो डॉक्टर एडवाइस कर, मतलब सोचो लोग कितना एक्सटेंट तक गए, जो डॉक्टर लिख दिया कि इसको ये देना है, खाली वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। उसके बाद तुम्हारा मन भी चलेगा ना कि कुछ और खा ले, तो क्या करेंगे? बिल में जुड़ेगा एज टैक्सेबल, बिल में जुड़ेगा एज, क्योंकि खाली हेल्थ केयर सर्विस क्या है? एग्जेम्प्ट। ठीक है,
तो इट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई एंड नॉट अ सेपरेटली टैक्सेबल. बाकी अदर सप्लाईज ऑफ फूड बाय हॉस्पिटल टू पेशेंट्स नॉट एडमिटेड और देयर अटेंडेंट्स और विजिटर्स, इट विल बी टैक्सेबल. आपको पता है आपके घर में जो बिजली आती है कहां से आती है? डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी से आती है, सीईएससी से आती है, कैलकटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. बट आपके बिल्डिंग के नीचे मीटर लगा हुआ है, पता है आपको, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी मीटर. तो ध्यान से सुनना गाइस, ध्यान से सुनना. होता क्या है ना, ये जो सीएससी है ना, ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है. क्या है? इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अब ये जो कस्टमर से चार्जेस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? चार्जेस ले रहे हैं. ये जो कस्टमर से चार्जेस रिकवर कर रहे हैं, क्या चीज का चार्जेस रिकवर कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी का. क्या चीज का? तो क्या ये टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट? क्या ये टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट? क्या ये टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट? सुनो मेरा बात गाइस, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आपका, उस पे जो चार्जेस ली जाती है आप पे, वो तो एग्जेम्प्ट है, वो तो. लेकिन सर, इलेक्ट्रिसिटी के पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाना पड़ता है. उस इलेक्ट्रिसिटी मीटर से रिलेटेड आपका इंस्टॉलेशन चार्ज होता है, और देर आर मेनी चार्जेस जो सीएससी अपने कस्टमर से रिकवर करता है. क्या वो टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है? गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया. देखो भाई, जितना इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का कंपोनेंट है, जितना तक का तुम बिजली इस्तेमाल कर रहा है, हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे. लेकिन बाकी सारे सर्विसेज है, बाकी सारे सर्विसेज है, आपके घर पे मीटर लगा, आपके घर पे जो वायर्स लगे, आपके घर में जो लाइन गया, एवरीथिंग विल बी टैक्सेबल. तो यहां पे देखो क्या लगा है, वेदर एक्टिविटीज कैरिड अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन इंडिया डिस्कॉम्स अगेंस्ट रिकवरी ऑफ चार्जेस फ्रॉम कस्टमर्स अंडर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. सिंपल लिख दिया सर, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी इज एग्जेम्प्ट, अदर सर्विसेज विल बी टैक्सेबल. और अदर सर्विसेज देखिए, नीचे मैंने इलस्ट्रेटिव लिस्ट बना के लिख दिया है कि कितने सर्विसेज हो सकते हैं. आपका मीटर खराब हो गया, मीटर खराब होने के लिए आदमी आया, टैक्स, यस. मीटर खराब करने के लिए आपको कैपेसिटी बढ़ानी है, हो सकता है ना वोल्टेज पावर कम हो गया, आपको वोल्टेज बढ़ानी है, टैक्सेबल होगा, यस होगा. खाली जो इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट ऑफ द बिल है वही क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा. लास्ट देख लो, सिंपल सा बात है. लोन्स गारंटी पता है? व्हाट डू मीन बाय लोन्स गारंटी? व्हाट डू मीन बाय लोन गारंटी? सर, कॉर्पोरेट गारंटीज होता है, कॉर्पोरेट गारंटीज होता है. ये चार्ट बना लो प्लीज. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लोन्स को गारंटी करता है, लोन्स पे गारंटी देता है, अगेंस्ट विच दे रिसीव गारंटी कमीशन. अगेंस्ट विच दे रिसीव गारंटी कमीशन. ये जो गारंटी कमीशन पेमेंट करता है पब्लिक सेक्टर कमीशन, आई मीन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसको हम लोग टैक्सेबल बनाएंगे. लोन्स गारंटी, गारंटी कमीशन. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए लोन्स का गारंटी देता है, और इस गारंटी पे सेंट्रल गवर्नमेंट को गारंटी कमीशन मिलता है विच विल बी टैक्सेबल. इसके ऊपर सर्कुलर था. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से बाबू, और लोन क्या चीज के लिए है? लोन ले रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए. अरे बॉस, जो पब्लिक के लिए हर चीज टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ऐसे नहीं चलता है देश, ऐसे नहीं चलता है. सिंपल सा बात समझिए, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये लोन ले रहा है, गवर्नमेंट से गारंटी मिल रही है, गवर्नमेंट उसको किसको गारंटी दे रहा है? इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गारंटी दे रहा है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, जिससे पीएसयू को लोन मिल रहा है. तो गारंटी दे रहा है, तो इट इज अ सर्विस विच इज टैक्सेबल. बिकॉज कहीं एग्जेम्पशन में लिखा है क्या ये कि गवर्नमेंट अगर किसी को गारंटी देगा या किसी का लोन्स को गारंटी देगा तो एग्जेम्प्ट होगा कि टैक्सेबल? कहीं नहीं लिखा है. गाइस, एक बात आप ध्यान लीजिए प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में आप अपना मन मर्जी नहीं चला सकते. अगर कोई चीज लिखी है कि एग्जेम्प्टेड है तो वही एग्जेम्प्टेड करके आएंगे. अगर कोई चीज के बारे में मेंशन नहीं है, जैसे ये था,
कहीं पढ़े थे क्या गारंटी कमीशन से रिलेटेड? कुछ नहीं पढ़े थे सर लाइफ में, तो क्या है वो? टैक्सेबल। एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा भयंकर तक आपको, आपको ऐसा ऐसा सर्विसेज का नाम देगा जो आप सुने भी नहीं है कभी, बट आप उसको टैक्सेबल करके आएंगे क्या? कर के आएंगे अगर कहीं नहीं सुने। तो डोंट पैनिक, हो सकता है आप सोचे ये सर्विस तो सर ने पढ़ाया नहीं, अरे नहीं पढ़ाया मतलब टैक्सेबल कर भाई, समझ में आ रहा है? तो इट इज वेरी सिंपल। तो ये वाला आप सर्कुलर्स देख लिए, सर्कुलर्स एक बार प्लीज वापस से गो थ्रू कर लीजिएगा। थर्ड वाला एग्जेम्पशंस मैंने आपको करा दिया जो न्यूली एडेड है नवंबर 18 के लिए, ठीक है। सेकंड पार्ट भी मैंने आपको बता दिया जो मई 18 में आपका एग्जिस्टिंग अमेंडमेंट आया है, और फर्स्ट वाला सर मई 18 एग्जाम्स में ऑलरेडी एप्लीकेबल हो गया था। आप प्लीज इसको, ये चार पांच सर्विस है आप घर पे देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। इट इज नॉट वेरी, मतलब आई होप ऑलरेडी ये आपके मे 18 पार्ट का था तो आपके सिलेबस में भी आप पढ़ लिए होंगे। आप प्लीज इस चार पांच सर्विसेज को घर पर देख लेंगे, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। हो गया खत्म, क्लास खत्म, ठीक है। अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस। नहीं नहीं सच में मेरे को लग रहा था पौने पांच पांच बजे आप लोग का चेहरा देखे कि मैं आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा क्या कर रहा हूं, हाँ, अत्याचार कर रहा हूं, बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहा हूं कि सर आप क्या बात कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहा हूं। बट जिस फोर्स से, जो अटेंशन से, जो एनर्जी से आप मेरा बात को सुन के इग्नोर कर रहे थे, और अपीयर कर रहे थे कि आप सुन रहे हैं टिल लास्ट 1:26 मिनट्स, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ कौन सा, हाँ जा 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 क्यों बोलो बोलो, देखिए पेज 15 और पेज 16, ठीक है, ये हम लोग पुराने अमेंडमेंट्स में पढ़ चुके हैं, मे 18 टर्म के लिए पढ़ चुके हैं। आप इसको प्लीज घर पे एक बार देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कोई डाउट होगा आई एम ऑलवेज देयर, डोंट वरी, ठीक है। हाँ सुनिए गाइस, एक मिनट प्लीज, एक मिनट खाली गाइस। देखिए अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्जामिनेशंस, मैं फिर आपको एडवाइस कर रहा हूं। आप टैक्स में अगर पढ़ना चालू, नवंबर आ गया, नवंबर दिसंबर आ गया है, तो व्हेनेवर यू आर कंप्लीटिंग एनी चैप्टर, जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि एग्जेम्पशंस एक बार में लास्ट में मत करना। सपोज एग्जांपल टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई आज आप पढ़ लिए, तो टाइम ऑफ सप्लाई का अमेंडमेंट खोल के देख लिए कि हाँ टाइम ऑफ सप्लाई का अमेंडमेंट भी कवर हो गया, मतलब अमेंडमेंट हैज टू गो चैप्टर वाइज, इट विल नॉट बी एट द एंड। पता चला एक बार में अमेंडमेंट पढ़ लिए तो बाकी सब चैप्टर भूल गए, वैसा नहीं होना चाहिए। एग्जेम्पशन पढ़ लिए तो एग्जेम्पशन का आप कवर कर लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर पढ़े तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का एग्जेम्पशन अमेंडमेंट्स पढ़ लिए। द सेम थिंग गोज, द सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल इन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का भी अमेंडमेंट्स आपको इसी तरीके से पढ़ना है। जैसे जैसे आप चैप्टर गो थ्रू कर रहे हैं वैसे वैसे आपको अमेंडमेंट्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जो नोट्स है, ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अगर आप नहीं किए तो, और इसका पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करके खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। दिस कंटेंस एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स विच इज कवर्ड फॉर नवंबर दिसंबर 18 एग्जामिनेशंस फॉर सीएमए स्टूडेंट्स। सीए अगर आईसीएसआई सॉरी सीएमए स्टूडेंट्स अगर सीएमए इंस्टीट्यूट कुछ भी निकालता है नया, अगर कुछ हटके है तो डेफिनेटली आई विल अपडेट इट इन दी टेलीग्राम ग्रुप, यू नीड नॉट वरी, बट आई हैव एग्जॉस्टली कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल दी चैप्टर्स जो आपके एप्लीकेबल है। थैंक यू बिग फॉर द रिस्पॉन्स जो आपने ने तीनों दिन दिया, कंसिस्टेंटली तीनों दिन आए। डेफिनेटली आई होप यू लाइक दी क्लासेस, एंड आई होप कि आपको क्लासेस से बेनिफिट मिलेगा, एंजॉयमेंट होगा, फ्यूचर में आप डेफिनेटली अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। एक बात ध्यान रखना, ये अटेम्प्ट हैज टू बी दी लास्ट अटेम्प्ट, बाई हुक और बाई क्रूक, कोई आपको रोक नहीं सकता है, नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आप यहां पे आज आपको लगा होगा यार ये तो आता ही नहीं है, ये तो आता ही नहीं है, अरे तो आता ही नहीं, अरे तो आता ही नहीं, अरे क्या बोल रहे क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा, लग रहा होगा। क्यों लगेगा? डेफिनेटली बिकॉज अमेंडमेंट क्लास हो रहा है, आप पहले से प्रिपेयर नहीं थे,
आप पहले से आपको नहीं पता था कि यू नो पूरा टैक्स पढ़ के आने या कैसे पढ़ के आने, डेफिनेटली यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू, बट जब आप घर पे जाएंगे आराम आराम से पढ़ेंगे, आपको ये अमेंडमेंट नोट्स रेफर करेंगे तो आपको डेफिनेटली चीज याद आएगी जो मैंने बोला था. ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. अरे हाँ मयंक आ जाओ.